हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा एनिवर्सरी है और इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। तो रात में मेरे घर वाले सब ने फ़ोन किया, तो मैंने एक्चुअली साइलेंट पे रखा था फ़ोन और उन्हें मैसेज कर दिया कि आज मैं चेक करने वाली हूँ कि इन्हें याद रहता है या नहीं। मैं तो हमेशा ठगी बना देते मुझे, हमेशा बोलेंगे कि नहीं मुझे याद था, थोड़ा सा बस टाइम में इधर उधर हो गया, मुझे याद था, ऐसा करके बोलेंगे। तो आज मैं क्या की हूँ, मेरी फैमिली को भी बोलती हूँ कि मैं कल बात करूँगी, आज नहीं बात करूँगी। और फिर आज मैंने व्हाट्सअप में भी सब स्टेटस में रख दिया था, फेसबुक में अपडेट किया है, बट सब बाकी विस्कर हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये मॉर्निंग टाइम है और उन्हें मैंने नहाने भेजा है, देखना है बस अब ये है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब सब विस्करेंगे और जब उन्हें पता चलेगा आज हमारा एनिवर्सरी है। सो ये एनिवर्सरी 6th एनिवर्सरी है और उनका ये हाल है। अब तो मैं बहुत फाइट करने वाली हूँ आपसे, मतलब ये वीडियो बनाते में हंसी आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सो बस निकलने वाले रहेंगे तब बताती हूँ, क्योंकि जब बाकी विस करेंगे ना फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर, तब मैं उन्हें उनका रिएक्ट में कैप्चर करूँगी और आप लोग से शेयर करूँगी। और ऐसे करने पर हस्बैंड लोग कैसे झूठ अपना या फिर कैसे सबको मैनेज करते हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू। सो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है, वो अभी मेरे फैमिली से बात करने के बाद, विश करने के बाद बस थोड़ा सा शौक हुए, बट मतलब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, हम तो विश कर रहे हैं अभी। ये मुझे तो चीज़ है, हम 6 साल लेक जो हाँ एक साथ कटा दिए, मतलब ये तो बड़ी बात है एक्चुअली। हाँ, क्या बड़ी बात है, 6 साल काट दिए, ये तो मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं इस ऐसे लोगों के साथ कैसे मैं काट पाई, क्योंकि इनको तो कुछ भी याद नहीं रहता। कोई एक तो शादी की एनिवर्सरी याद नहीं रहेगा, एनिवर्सरी याद नहीं, बोले तो कुछ भी याद नहीं रहता, बोले तो मैं तो जिंदगी याद, अरे बस इनको काम के अलावा, ऑफिस के काम के अलावा कुछ नहीं, खाली मेरे साथ बकर बकर करने के, बोलेंगे क्या बकर बकर हो रहे, अब दिन रात मोबाइल में बकर बकर होते रहते हैं ऑफिस के स्टाफ लोगों के साथ। बस आज हमारा 6th एनिवर्सरी है। 6th एनिवर्सरी है, श्योर 6th चलेगा, तो मैं तो श्योर भी होने बोलती हूँ, क्योंकि इनके याद नहीं रहता है। हाँ बोले, चले चलेगा। तो क्या हुआ है, ओके तो मैं आपको देख भी नहीं सकती हूँ, तो देख रही हूँ इसी दिन में बर्बाद हो गया, क्या अंदर एक हैप्पीनेस है। हाँ, और जो छलक छलक के बाहर आ ही रहा है, आ रहा है। अभी देख भी सकते हैं मैं कितना प्यार करता हूँ, वो भी दिखेगा अभी। तो ये है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, दिखावा नहीं, ये एक्चुअली जेन्युइन प्यार है, हार्ट से निकल रहा, हार्ट जोर से धड़क रहा है अभी, देखिए बाहर ना निकल जाए। हार्ट बीट जो है पहले से अभी बढ़ चुका है। आज एनिवर्सरी था, आज मेरा जिंदगी का पहला बर्बादी का सॉरी पहला मेरा जिंदगी शुरू हुआ था, मतलब एक फैमिली लाइफ स्टार्ट हुआ था, तो रियली एक बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। हम दोनों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव किया है लाइफ में और आगे भी करेंगे। और क्या मैं बोलूँ, एक्चुअली मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि संगी मेरे लाइफ में आई और आज ये भी है हमारे साथ नन्ना, और होपफुली सेकंड वाला भी हम जल्दी लाएंगे। बोलने आता नहीं है, यहाँ पर अपने को कैसे पूरा मैनेज करके अपने गलती को छुपा रहे हैं, देख सकते हैं ना। यही होता है अभी लोगों का कि कभी कुछ याद नहीं रहता है। मैं दूसरे को देखती हूँ कि कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सरप्राइज देते हैं, कुछ करते हैं, पर ये विश ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता है। सरप्राइज की बात ही दूर है, सरप्राइज की बातें दूर। एक भी एनिवर्सरी इन्होंने आज तक, यानी 6 साल ये 6th एनिवर्सरी है, 6th एनिवर्सरी, बस 1st एनिवर्सरी पता नहीं कैसे भूल चुके, नहीं याद था, उसके बाद से शायद फैमिली याद करा दी, उसके बाद से कोई एनिवर्सरी याद नहीं है। तो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ ऐसे लोगों को, मैं पता नहीं पड़ रहा है, बता नहीं पा रही। मैंने एक भी एनिवर्सरी मिस नहीं किया, आज भी मिस नहीं किया हूँ मैं। हाँ, मेरी फैमिली मिस करने के बाद फिर मिस कर रहे हैं। नहीं, मैं जानबूझ के इसको मैं इग्नोर किया कि इस साल में एनिवर्सरी क्या करूंगा,
एनिवर्सरी के दिन में ये करूंगा, रात में नहीं, दिन में। दिन में बैठ के हम दोनों गीता पाठ करेंगे। संगीत तो करती नहीं है गीता पाठ तो। सो फ्रेंड, ये तो चलता ही है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो आज बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने 6th वेडिंग एनिवर्सरी का वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मेरे हस्बैंड ने कैसे सेलिब्रेट किया और मैंने कैसे गेटअप किया था। तो फिर देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।